होंडा सिटी इंडिया में होंडा की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है, जिसके फेसलिफ्टेड वर्जन को थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान अब स्पाइक कर लिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप होंडा सिटी और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2023 होंडा सिटी फेसलिफ्ट की स्पाइड मैच की बात करते हैं। इस स्पाइड मैच में आप 2023 होंडा सिटी के एक टेस्टिंग वेरिएंट को देख सकते हैं, जहां इस वेरिएंट में इसका बम्पर और ग्रिल कवर्ड थे, जो कि ये कंफर्म करता है कि ये सिटी का एक टेस्टिंग वेरिएंट ही था, और इस बात को भी कंफर्म करता है कि नई सिटी में हमें रीडिजाइन बम्पर्स और ग्रिल देखने को मिलेंगे, जो कि इस टेस्टिंग वेरिएंट में एक स्पोर्टी डिजाइन में दिए हुए थे। हालांकि इसका बम्पर कैमोफ्लाज था, फिर भी इसके लार्ज साइज के रीडिजाइन एयरडैम्स दिख रहे थे, जिनमें हमें फॉग लैंप्स मिलेंगी। इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स और ओवरवियंस भी ऑल ब्लैक लुक में दी हुई थी, जो कि ये दर्शाते हैं कि यह सिटी के कोई स्पोर्टी वेरिएंट हो सकता है। तो ये तो होगी 2023 होंडा सिटी फेसलिफ्ट की स्पाइड इमेज की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। फेसलिफ्टेड सिटी में भी हमें करंट मॉडल में मिलने वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 120 पीएस की पीक पावर और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे, और दूसरा इंजन होगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 122 पीएस की पीक पावर प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, और तीसरा इंजन होगा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 100 पीएस की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा। तो ये तो होगी 2023 होंडा सिटी फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई सिटी में हमें फुल एलईडी हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, 16 इंच डायमंड कट एंड ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम, 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, वॉइस कमांड्स, फास्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक IRVM, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेट सीट्स, लेदर रैप गियर नॉब एंड स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्टी डुअल टोन इंटीरियर्स, स्पोर्टी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर विंडो कर्टन वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में सेडान में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ADAS लेवल 1 सेफ्टी टेक, रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2023 होंडा सिटी फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और लॉन्च की बात करते हैं। होंडा इस नई सिटी को इस साल के एंड या फिर अर्ली 2023 में इंडिया में लॉन्च कर सकती है, और लॉन्च होने के बाद ये हुंडई वर्ना नेक्स्ट जनरेशन, Volkswagen Virtus और Skoda Slavia के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2023 होंडा सिटी फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।